मेरे पास हाँ मांगटी का भी है बट वो मैं इसलिए नहीं पहन रही बिकॉज फिर मंगलसूत्र नहीं दिखेगा तो आजकल जरूरी है। मेरे साथ क्या हुआ, एक बहुत ही कॉमेडी हुई। तो ये द्रौपदी की साड़ी की तरह बड़ी होती जा रही थी। हाँ किधर हो? जिम में हूँ। जिम में? मैं देखना चाहती हूँ, वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। मैं जिम में हूँ। यार मैं नहीं मानती, मुझे वीडियो कॉल करो। नजर रखनी चाहिए इसलिए मैंने बोला मुझे वीडियो कॉल करो। हाय गाइस, तो आज करवा चौथ है, शादी के बाद मेरा दूसरा करवा चौथ है ये। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने कैसे तैयारी की है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सोर्सेज एंड रिसोर्सेज के साथ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो मेरा लुक है ये मैंने मिक्स एंड मैच किया है। तो ये जो मेरा ब्लाउज है ये मेरे पास पड़ा हुआ था मेरे शूट का गोल्डन, तो वो मैंने पहना है और वो भी मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो रात को मैंने उसे सारी रात बैठ के उसे मैंने फिटिंग किया, कॉर्डिंग किया, बिकॉज रात को तो कोई टेलर और कुछ भी अवेलेबल होगा नहीं। तो हुआ ये कि हम दोनों की बहुत ट्रैवलिंग चल रही है, मेरे और संकेत की, जो मेरे पति देव हैं। तो कल ही रात को जस्ट मैं अहमदाबाद गई थी, शूट था मेरा, तो अहमदाबाद से मैं वापस आई हूँ। तो मुझे कुछ भी प्रेप करने का टाइम नहीं मिला कि मैंने क्या पहनना है, मेरा ब्लाउज एंड ऑल फिटिंग, बिकॉज कंटिन्यूस शूट्स एंड ट्रैवल चल रहा है। तो फाइनली मैंने देखा कि मेरे कबर्ड में बहुत सारी रेड साड़ीज रखी थी, तो एक बहुत ही प्रिटी ब्यूटिफुल साड़ी जो कि मुझे मेरी मम्मा यानी कि मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ ने गिफ्ट की थी मेरे रोके के टाइम, यानी कि रोका हुआ था 2019 में। सो 4 साल से ये साड़ी मेरे पास रखी हुई है। सो मुझे लग रहा था कि कोई बेस्ट ओकेजन आए। लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि फर्स्ट करवा चौथ पे पहनूंगी, बट वो सेट पे था, हमारी शूट चल रही थी, तो सेट पे ये साड़ी मैं नहीं पहन पाई। मैंने बांधनी की कुर्ती पहन के गई थी सेट शूट वाले दिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैंने यस आज फास्ट रखा है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो बचपन से ही हम लोग वहाँ पे पंजाब में जो है लड़कियां फास्ट रखती है। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो तारा देख के फास्ट तोड़ती हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो ऑब्वियसली चांद देखकर फास्ट तोड़ा जाता है। सो बचपन से फास्ट रखती आ रही हूँ। तो शूट पे लास्ट ईयर तो बहुत मुश्किल हुई थी, बिकॉज इतना काम करना था एंड बोलना था और पानी भी नहीं पी सकते। खाना तो चलो ठीक है, लेकिन पानी भी नहीं पी सकते। तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, लेकिन मुझे साड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। ये साड़ी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी पहनने के लिए। सो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, साड़ी इतनी ही प्रिटी है, लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के इसको बांधा है, वो भी अकेले, बिकॉज संकेत जो है वो जिम गया है और मम्मा पापा पूरी फैमिली जो है वो कल्याण में है घर पे। तो यहाँ पे मुंबई में हम लोग आए हैं जस्ट बिकॉज कल शूट है, तो ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए इतना ट्रैफिक हो जा रहा है मुंबई में ना कि अनइमेजिनेबल। सो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने फटाफट क्या क्या तैयारियां की हैं। ये मंगलसूत्र है, ये देखिए कुंदन है, और ये ब्लैक बीड्स है। ये मैंने स्पेशल जो है कस्टमाइज डिजाइन करवाया था पंजाब से, और ये एक और जो मुझे मेरे ससुराल से मिला था मंगलसूत्र, ये देखिए, ये बहुत ही ट्रेडिशनल होता है मंगलसूत्र, ऐसे कटोरियां बनी होती हैं, और शादी के 15 दिन शुरू के इसको उल्टा पहनना होता है ब्राइड को, और फिर 15 दिनों बाद सीधा पहन सकते हैं, पूजा होती है। सो ये बहुत ही प्रिटी है, ये गोल्ड का है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और ये दो मंगलसूत्र पहनती है। महाराष्ट्रियन ब्राइड्स जो है वो दो मंगलसूत्र पहनते हैं, ये मुझे शादी के बाद ही पता चला। और जैसे कि रेड तो कलर होता ही है, लेकिन ब्राइड का जो महाराष्ट्र में है वो ग्रीन, बांगड़े बोलते हैं बैंगल्स को, ग्रीन कांच की चूड़ियां पहननी होती है। सो ये मैंने ग्रीन कांच की चूड़ियां पहनी है, बहुत ही प्रिटी है। ये रेड भी मिक्स किया है, और ये बैंगल्स हैं गोल्ड के, ये भी बहुत प्रिटी है, और ये ब्रेसलेट्स है, ये मुझे हमेशा पहन के रखती हूँ मैं। सो ये मैंने पहनी है। इसके अलावा मैंने शॉर्टकट मारा है, देखिए ये तो आप सिंदूर है, ये क्रीमी सिंदूर है, ये मैंने लगाया है। ज्यादा मेकअप नहीं किया है, जस्ट थोड़े से अंडर आई पफिनेस है वो कवर की है कंसीलर से, एंड बहुत ही लाइट सा मैंने जो है वो लिपस्टिक का ही जो ब्लश है वो हल्का सा टैप किया है, एंड पीछे विंग किया है लाइनर, एंड दैट्स इट। मैंने आई शेडो भी नहीं लगाया है, और रेड लिपस्टिक, दैट्स इट, नथिंग, नो कटिंग, नो फाउंडेशन, नथिंग एल्स। एक मैंने जुगाड़ किया है, देखिए नथ तो आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र नथनी है,
जो कि लेफ्ट साइड में पहनी जाती है, मुझे बहुत बहुत प्रिटी लगती है। मेरे पास हाँ मांग टीका भी है, मेरे पास बहुत ही प्रिटी प्यारा सा, बट वो मैं इसलिए नहीं पहन रही बिकॉज फिर मंगलसूत्र नहीं दिखेगा, आज तो जरूरी है ना। एनीवेज, कानों का मेरा जो है, आप सोच रहे हो कि मैंने झुमके या इयररिंग्स कुछ पहना भी है और नहीं भी पहना, तो उसका ही मैंने जुगाड़ किया है। एक्चुअली क्या है ना, कंटिन्यूस शूट की वजह से मेरे कानों में बहुत स्वेलिंग हो गई थी, वो बड़े बड़े झुमके है ना, मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ, बट शूट पे पहनने पड़ते हैं। सो मैंने कि दूर से ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो पहना है, खाली खाली ना लगे, तो मैंने जुगाड़ किया है, मैंने बिंदी जो है वो दोनों अपने कानों में लगा ली है ताकि वो दूर से पिक्चर्स में लगे कि हाँ कुछ तो पहना है, खाली खाली भी नहीं। सेकंड, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि मेहंदी का कोन हम लोग रास्ते में ले आए थे, और वो मैंने रात भर बैठ के पहले अपना ब्लाउज खोला और उसके बाद मैंने मेहंदी अपने राइट हैंड से, ये देखिए खाली है, लेफ्ट हैंड पे खुद लगाई गूगल से पिक्चर देख के, तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा चली और सिर्फ एक घंटे लगाई थी, उसके बाद मैंने पानी में हाथ डाल दिया, मैं भूल गई। तो ये देखिए यहाँ से ऐसा डिजाइन है मेहंदी का, और ये एक ही ऐसे मोटी सी बेल मैंने बनाई है। 1.5 आवर ही मैंने ये रखी बिकॉज इस हाथ से खाना खाना था, काम करना था, सब करना, तो इसी के लिए मैंने ये इस हाथ में नहीं लगाई है। जो मेरी रिंग है, मेरी रिंग जो है एंगेजमेंट रिंग, वो डबल थी, डबल होती है बिकॉज ऊपर जो है वो सॉलिटेयर होता है एक रिंग में, ताकि वो आप डेली यूज में नहीं पहन सकते, तो वो निकाल दें, और नीचे जो है गोल्ड का छल्ला होता है, ये भी कस्टमाइज करवाया था, बहुत ही इसका प्यारा डिजाइन है। अभी इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, यस। तो सिर्फ ये आप पहन सकते हो, तो बाकी बस दैट्स इट। अब मेरे साथ क्या हुआ है, एक बहुत ही कॉमेडी हुई है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ साड़ी के बारे में। सो गाइज, ये मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की, ये जो साड़ी है मेरी सिल्क की है, वेरी 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 प्रिटी साड़ी। देखिए आप, टेम्पल बना हुआ है इसके बॉर्डर पे, और कितना सुंदर इसका वर्क है, ये आप देख सकते हैं शिमर भी हो रही है। ये ब्लाउज इसके साथ का नहीं है बिकॉज मैंने आपको बताया कि मिक्स मैच किया है मैंने, टाइम नहीं था स्टिच करवाने का। सो ये साड़ी मैंने पहनी है, ये देखिए कितना इसका सुंदर, बहुत ही हैवी साड़ी। पहले तो ये बता दूं, 2 ड्रेप्स मुझे करने पड़े एक्स्ट्रा कि मैं इसमें फिट आ सकूं। तो ये मैंने पहनी है। अब इसमें कॉमेडी ये हुई कि जब मैंने साड़ी खोलनी शुरू की तो ये द्रौपदी की साड़ी की तरह बड़ी होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। फिर फाइनली मुझे पता चला कि इस साड़ी में तो ब्लाउज का कपड़ा भी अटैच्ड है। ये देखिए यहाँ तक पल्लू खत्म हुआ है और ये पूरा ब्लाउज का कपड़ा है। यहाँ से इसको कट करेंगे। अब मुझे ये भी पता नहीं कि यहाँ से कट करना है या यहाँ से कट करना है, बट आज के दिन सीजर्स जो है वो दुल्हनों को, शादीशुदा लेडीज को नहीं यूज करनी होती है, तो ये मैं कट नहीं कर सकती। अभी तो मैंने इसके साथ ही, ब्लाउज के साथ ही ये साड़ी पहन ली है जैसे तैसे, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि नीचे वॉचमैन है हमारे या फिर जो हमारे ड्राइवर है उनसे बोलूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि वो सीजर्स से इस साड़ी को काट दें। बट क्या है ना कि फीमेल होती तो बात और थी, बट मेल्स काटेंगे तो कैसे काटेंगे, पूरी साड़ी ना खराब हो जाए, और बहुत ही प्रिटी साड़ी है। तो ये एक कॉमेडी हो गई है। अब मैं आपको फुल दिखाती हूँ पैन करती कि मेरी साड़ी का हाल क्या है, अभी मैंने कैसे पहनी हुई है। ओके, वेट। सो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरी साड़ी का पल्लू है, पूरा घर साफ करके ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और ये मैंने साड़ी बांधी है। ऐसे तो इतनी बड़ी साड़ी के ना वो प्लीट्स बांधते हैं, जो मेरे मम्मा है यानी कि संगीत की मम्मा, मेरी मदर इन लॉ, बहुत फिटी साड़ी बांधते हैं वो, ऐसे ऐसे करके इसके प्लीट्स आते हैं, बट वो अभी मेरे बस की बात नहीं है बिकॉज मैंने बहुत मुश्किल से ऑलरेडी ये बांध। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो करवा चौथ का प्लेट है, थाली, एक लोखंड वाला में यहाँ पे करवा चौथ की पूरी एक बास्केट मिलती है, उसमें पूरे 16 सिंगार और सब कुछ होता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ये थाली है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल थाली है, और ये आई थिंक ये प्लास्टिक की है, बहुत ही प्यारी, कुछ 1100 रुपीज़ की ये थाली है, और ये छन्नी है जिससे हम वो देखेंगे चांद का दिल में,
आपको जगाना है ना। तो ये छन्नी है और हाँ और ये फूल है गेंदा फूल कहते हैं ना ससुराल गेंदा फूल। तो ये गेंदा फूल है ये पूजा के लिए यूज होते हैं किए जाते हैं यानी के पूजा के लिए। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा पानी डालने का एक जग जैसा है यहाँ से पानी गिरेगा तो ऐसे करके हम उसमें से पानी डालेंगे। इसके अंदर पानी डाल के और फूल डालते हैं और कुछ चार फेरे होते हैं वो लेने होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर ये कड़े हैं ये आर्टिफिशियल है ये भी इसके साथ दिए गए थे। और काफी कुछ है इसमें और या तो ये सारी चीजें हैं। ये थोड़े हैवी थे इसलिए मैंने ये पहने नहीं। बाकी तो बस अब चांद का इंतजार है। संकेत तो खा पी के आराम से जिम चला गया। ये भी नहीं कि मैं अकेली हूँ कि बंदा कोई सपोर्ट में बैठ ही जाता है। इससे अच्छा ही वो बैठता ना तो खाता रहता है और फिर मेरा और ज्यादा मन करता है खाने का। सो देखते हैं वेट करते हैं। एक्चुअली काम करती हूँ उसे कॉल करती हूँ बोलती हूँ जल्दी आ जाए है ना। पूछती हूँ किधर है इतना टाइम हो गया यार इतना आज के दिन थोड़ी कोई। हेलो हाँ किधर हो। जिम में हूँ। जिम में हो हाँ। यार इतना टाइम जिम में मैं नहीं मानती मेरे को कॉल करो। अच्छा एक काम करो मैं अभी लाइव हूँ इंस्टाग्राम पे तुम मुझे ज्वाइन करो मैं देखना चाहती हूँ वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। जिम में हूँ मैं जिम में हूँ। यार मैं नहीं मानती मुझे वीडियो कॉल करो आज के दिन भी कौन बाहर रहता है यार। चांद आया कि नहीं अभी तो नहीं आया। मेरे को वीडियो कॉल मेरे को ज्वाइन करो इंस्टाग्राम पे अभी। कर रहा हूँ ओके ओके। कब से ये बंदा जिम गया हुआ है पता है आपको शाम से ऐसे नजर रखनी चाहिए इसलिए मैंने बोला मुझे वीडियो कॉल करो और दिखाओ मुझे कि तुम जिम में हो कि नहीं है ना। और क्या हाँ हाय हाय दिखाओ मुझे जिम में हो ना। हाँ हाँ ओके। तो ये एक मिनट देखो ना चांद आया कि नहीं आया। चांद क्या अभी चांद तो मेरे लिए तू ही है ना। बस दादा अभी बात नहीं घर आ जाओ यार मैं बोर हो रही हूँ। चांद तो नहीं आया देख मैं चांद देखने की कोशिश कर रहा हूँ चांद तो नहीं आया। आ गया देखो यकीन तो आ गया ना मूछे देख ले मेरी। यार ये मूछे कब रखी तुमने। मैं दो दिन घर से बाहर की थी तुमने मूछे। अरे यार यकीन तो आ गया आपको ये मुझे बताइए कि आपको यकीन आया कि नहीं। मेरे लिए करवा चौथ की खीर बना के रखना खीर लेने खीर पीने आऊंगा। मैं भी अलग अलग आवाज में बात कर सकती हूँ बट आज मेरी खुद की आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि मैंने फास्ट रखा है और मुझे प्यास भी लग रही है। ठीक है मैं आज तेरा फास्ट है तो मैं हर चीज एकदम फास्ट कर रहा हूँ जिम भी फास्ट फास्ट करके खत्म करके आ रहा हूँ तेरे पास। यार आज के दिन तुम्हें इतना ज्यादा जिम करना था क्योंकि तूने फास्ट रखा तो मैंने सोचा मैं भी अपने आप को पेन दूं कहीं ना कहीं तकलीफ दूं। मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं लाइव चली जाऊं और फिर मुझे याद आया कि यार इतना ज्यादा टाइम हो गया अभी तक तुम घर नहीं पहुंचे हो तो सभी लोग लेकिन तुझे यकीन तो आ गया ना अभी इतनी बात करते करते तो यकीन तो हो गया ना कि मैं जिम में हूं। हाँ यकीन हो गया मुझे मतलब अभी बात करने का बहाना बहुत लोग आते हैं लड़के लड़कियां सब आते हैं तो प्लीज आप चुपचाप घर आ जाएं तब तक मैं अपने फैन से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। आप अभी के अभी घर आए बहुत बन गई ठीक है बस खत्म कर रहा हूँ अभी ठीक है खत्म करके आ रहा हूँ। आपके सारे फैन सुगंधा मिश्रा जी के जितने भी फैन है सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। बस ये बात जरूर याद रखना कि मर्दों के लिए खासकर एक मैसेज देना चाहूंगा कि करवा चौथ के भरोसे मत रहो। आपकी शुगर डायबिटीज जो कोलेस्ट्रॉल है कोई भी सारी दवाइयाँ टाइम पे लेना करवा चौथ के भरोसे पे मत रहना यही कहूंगा सबसे। बाय लव यू सुंदर लग रही है वैसे बहुत।
तो गाइस फाइनली मम्मी ने बोला कॉल पे कि भाई आज के दिन साड़ी मत कट करवाओ। तो मैंने फिर निंजा टेक्निक यानी कि एक जुगाड़ लगाया, एक और जुगाड़, कि अपनी साड़ी के ब्लाउज के जो पोर्शन है उसको सेफ्टी पिन से चारों साइड से बांध के उसको डबल फोल्ड कर लिया मैंने, और फाइनली चांद निकल आया। वू! गाइस मेरे फेवरेट राजमा चावल मैंने बनाए थे, बनवाए थे, लेकिन वो जल गए क्योंकि मैं गैस ऑन कर वीडियो बनाने लग गई थी। लेकिन फिर हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया, राजमा और कढ़ी, मेरी फेवरेट। ये बहुत ही बढ़िया पंजाबी रेस्टोरेंट था और मज़ा आ गया फाइनली।